नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एग्री चैंपियन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। आज ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से कितने वेटेज करता है। ये एग्जाम में है 5 नंबर का, तो इसमें से क्वेश्चन आता है एक आईलेट से। किससे आता है? आईलेट से। आईलेट की चर्चा अपन आगे करेंगे। बस अपने को ये देखना है कि समाकलन कितने वेटेज का रहता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। 5 नंबर का क्या आता है? आईलेट का क्वेश्चन आता है, और कम से कम 3 या 4 नंबर का किसमें पूछ लेता है? ये जो फॉर्मूले हैं इनका या तो पूछ लेगा डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे पूछेगा कि EX का समाकलन बताइए। न्यू टाइप में क्या पूछेगा? EX का समाकलन बताइए। या तो आपको रिक्त स्थान में ऐसा क्वेश्चन देगा, या कहां पर देगा, या आपको देगा ऑब्जेक्टिव में। तो आपको EX का क्या बताना है? समाकलन बताना है। EX का अगर फॉर्मूला याद कर लिया, EX का अगर फॉर्मूला याद कर लिया कि EX का समाकलन क्या होता है? EX प्लस सी होता है। क्या होता है? EX प्लस सी होता है। तो आपका 3-4 नंबर का किस में रहेगा? न्यू टाइप में रहेगा। और 5 नंबर का किस में रहेगा? इसमें थ्योरी में रहेगा, आईलेट से। सही। अब आईलेट एकदम क्या है? इजी है। पर आईलेट को अपन कब समझेंगे? जब अपने को फॉर्मूले समझ में आएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्या समझ में आएगा? पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा? फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। इसके बाद में क्या समझना है? इसके बाद में अपने को क्या समझना है? आईलेट समझना है। क्या समझना है? आईलेट। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको याद करने हैं फॉर्मूले। इसके बाद में अपन नॉर्मल क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद में क्या बात करेंगे? आईलेट की बात करेंगे, जो कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5 नंबर का हर बार क्वेश्चन होता है। अब देखो, अपन चलते हैं अभी फॉर्मूले की तरफ। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन में फॉर्मूला होता है माइनस कॉस डी एक्स प्लस सी। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस डी। बहुत सारों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि जो समाकलन है और अवकलन है उनमें अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अपने को क्या नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो अवकलन के फॉर्मूले पढ़ने पड़े थे, जो अवकलन के अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, उसके जस्ट अपोजिट किसके हैं? उसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूले हैं समाकलन के। किसके फॉर्मूले हैं? समाकलन के। तो आपको समाकलन और अवकलन, जब समाकलन के फॉर्मूले याद करो तो आपको अवकलन के फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए याद करना है। क्या करना है? अगर समाकलन के फॉर्मूले याद कर रहे हो तो किसके फॉर्मूलों को ध्यान रखना चाहिए? अवकलन के, समाकलन अवकलन के सूत्रों का। अब देखो इधर, साइन एक्स का अवकलन में क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन में होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन में क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन में क्या, इसमें समाकलन में क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप कैसे भी याद करो, पर आपको क्या होने चाहिए? समाकलन के पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो, साइन एक्स का क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी। क्या हो गया? साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? टेन एक्स प्लस सी। क्या हो गया? टेन एक्स प्लस सी। अब इधर देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या हो गया? माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? माइनस, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो गया? सेक एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो गया? सेक एक्स हो गया। अब इधर देखो, कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो गया? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर अपन समाकलन का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, समाकलन का क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि प्लस में क्या लगाओगे? प्लस में क्या लगाना है? प्लस में लगाना है सी। क्या लगाना है? प्लस में सी लगाना है। और समाकलन का पता कैसे लगेगा कि ये समाकलन का क्वेश्चन है? इसमें समाकलन करना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान से, ये क्या है? ये है समाकलन का चिन्ह। क्या है? समाकलन का चिन्ह। ऐसी लाइन आ जाए तो आपको क्या समझना है? किसी भी फंक्शन के आगे ऐसी लाइन आ जाए तो आपको क्या समझना है? समाकलन का चिन्ह। पिछली क्लास में अपन ने कंटिन्यूटी की बात की थी। कंटिन्यूटी और इसका क्या सेम है? इसका साइन सेम है, पर कंटिन्यूटी के बीच में क्या आती है? यहाँ पर क्या आती है? एक गुंडी टाइप में आती है। तो ये किसका है? ये समाकलन का साइन है।
इतना तो समझ ही जाओगे ना, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर बोलेगा कि सांतत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। अब देखो इधर cosec अक्ष cot अक्ष का फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर होगा माइनस cosec अक्ष, क्या होगा माइनस cosec अक्ष प्लस c। अब देखो ex का समाकलन क्या होगा, ex का समाकलन होगा ex प्लस c, क्या होगा ex प्लस c। अब इधर देखो एक बटे हुआ अक्ष दिया, मतलब एक बटे हुआ अक्ष का समाकलन क्या होगा, इसका होगा log अक्ष। log अक्ष का अवकलन क्या होता है, log अक्ष का अवकलन होता है एक बटे हुआ अक्ष। अब देखो इधर इधर का क्या हो जाएगा, अगर इसका अवकलन देखे तो ये होता है, इसका समाकलन देखे तो ये होता है, इसीलिए मैंने क्या बताया था कि जस्ट अपोजिट है इनके जो सूत्र हैं, ये क्या है जस्ट अपोजिट है। एक बटे हुआ अक्ष का समाकलन क्या होगा, लॉग अक्ष, क्या होगा लॉग अक्ष। अब इधर देखो ए एक्स लॉग ए डी एक्स, ए एक्स लॉग ए डी एक्स का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा a की पावर x प्लस c, क्या होगा a की पावर x प्लस c। अब इधर ध्यान से देखिए एक बटे हुआ अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर, इसका dx, dx मतलब समाकलन, अपन जब अवकलन की बात करते थे तो वहां पर क्या था d अपॉन dx, क्या देखते थे ज्यादातर d अपॉन dx, यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना है dx, क्या देखना है dx। अब देखो इधर ध्यान से एक बटे हुआ अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर का dx क्या होगा, क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस c, क्या होगा साइन इनवर्स माइनस x प्लस c। वहां पर क्या होता था साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता था, ये क्या होता था ये, तो यहां पर क्या हो गया उसका जस्ट अपोजिट। अब इधर ध्यान से देखिए वन बटे हुआ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, आ गया समझ। अब देखिए ध्यान से आगे यहाँ पर समाकलन किसका वन बटे हुआ वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका होगा टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था टेन एक्स इनवर्स का अवकलन होता था वन बटे वा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता था वन बटे वा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा कि अवकलन के फॉर्मूले किसके अपोजिट है, किसके अपोजिट है समाकलन के अपोजिट, किसके अपोजिट है समाकलन के अपोजिट। अब देखिए आगे वन बटे वा वन प्लस एक्स स्क्वायर का dx क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्या होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए ध्यान से वन बटे वा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका समाकलन क्या होगा sec इनवर्स एक्स, क्या होगा sec इनवर्स एक्स। अब वन वन बटे वा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक सभी को समझ में आए होंगे, समझ में भी नहीं आए तो फॉर्मूले तो अपने को क्या करने हैं याद करने ही हैं, चाहे समझ में आओ चाहे समझ में नहीं आओ, ये कोई समझने वाली चीज नहीं है वैसे, ये तो अपने को फॉर्मूले तो क्या करना पड़ेगा रटना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो ये फॉर्मूले हैं इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके पहले अपने एक और क्वेश्चन एक दो फॉर्मूले और बात करेंगे। देखिए अक्ष की पावर n का समाकलन क्या होगा, अक्ष की पावर n का समाकलन क्या होगा, अक्ष की पावर n का समाकलन होता है अक्ष n प्लस वन बटे वा n प्लस वन प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला है, ये है अक्ष की पावर n का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है अक्ष की पावर n का फॉर्मूला है, क्या होगा अक्ष की पावर n प्लस वन बटे वा n प्लस वन, ये किसका फॉर्मूला है अक्ष की पावर एन का, प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा सी, क्या जाएगा सी। अब ये फॉर्मूला सभी को समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं बात कर लेता हूं अवकलन के अक्ष की पावर एन की, डी अपॉन डी अक्ष की पावर एन की, इसका फॉर्मूला क्या होगा
इसका फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे आपको, याद करने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद में देखो समाकलन किसका, किसका रे? समाकलन कोसेंट का। किसका? कोसेंट का। कोसेंट का समाकलन क्या होगा? कोसेंट का समाकलन होगा एक्स प्लस सी। ये कैसे? जैसे मान लो कोसेंट बोलते हैं किसके हैं, ये तो समझ में आ गया हमें कि कोसेंट बोल किसको रहे हैं। कोसेंट बोलते रहे गिनती को, जो अपन बोलते हैं ना एक दो तीन चार, इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट। तो अपने को क्या करना है, कोसेंट का क्या करना है? समाकलन करना है। क्या करना है? कोसेंट का समाकलन करना है। जैसे मान लो एक आ गया, तो एक का समाकलन क्या होगा? एक का समाकलन होगा एक्स प्लस सी। अगर मान लो यहाँ पर दो आ जाए, यहाँ पर क्या जाए? दो डी एक्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा? टू एक्स प्लस क्या जाएगा? 2x plus c। मतलब जितने भी कोसेंट आ जाए उसके साथ में क्या लगाना है? x plus c। क्या लगाना है? x plus c लगाओ। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। I hope अपन ने शायद कुछ भी नहीं पढ़ा यहाँ पर, यहाँ पर अपन ने ओनली क्या किसकी बात की है? फॉर्मूलाज की बात की है। वो आप सभी को क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। और आज की क्लास में मान लो अपने को क्या करना है, अपने को पांच नंबर तो पक्के करने ही है। क्या करने हैं? पांच नंबर पक्के करने हैं। और संपूर्ण समाकलन की बात करेंगे एक ही क्लास में, एक ही क्लास में बात करेंगे, सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अब देखो अब क्वेश्चन कहां से बनता है। सबसे पहले अपन ने किसकी बात कर ली? फॉर्मूलाज की बात कर ली। फॉर्मूलाज से एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। कहां पर? न्यूटन। न्यू टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और एक संभावना क्या बनती है कि जो फॉर्मूलाज है, जैसे x की पावर n, x की पावर n का क्या दे देगा? क्वेश्चन दे देगा। x की पावर n का दे देगा किसी, मान लो कोई फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए आपके ये समाकलन का साइन आ गया, x की पावर 4 आ गया प्लस x की पावर 2 आ गया, 2x आ गया, 2x2 आ गया, और ये मान लो प्लस 4 आ गया, सही। और इसका अपने को क्या पूछ लिया? dx। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। इसका अपने को क्या करना है? इसका अपने को करना है समाकलन। क्या करना है? समाकलन करना है। अब देखिए क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन में सबसे पहले आप क्वेश्चन की किसी की बात मत करो, ना फॉर्मूले की बात करो, सबसे पहले अपने को बात किसकी करनी है। अगर ये क्वेश्चन न्यू टाइप में आ जाए तो अपने को डायरेक्ट करना है। मान लो यही क्वेश्चन अपने को दो नंबर में किसी में पूछ लिए, थ्योरी में पूछ लिए, तो कैसे करना है? सबसे पहले क्या करोगे, वाई बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। क्या करना है? दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब इसका क्या कीजिए? समाकलन कीजिए। सबसे पहले प्रोसेस ये, सबसे पहले स्टेप यही है कि जो एक बार मतलब पूरे फंक्शन के साथ एक बार समाकलन का साइन लग रहा है, उसको सभी फंक्शन के साथ क्या कीजिए? समाकलन का साइन लगाइए। देखिए x की पावर 4 dx प्लस समाकलन का साइन वापस लगाइए, x की पावर 2 dx प्लस समाकलन का साइन लगाइए, 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन का साइन लगाइए, 4 dx। अब देखिए इसका अपने को क्या करना है? समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। अब देखिए x की पावर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? x की पावर 4 दे रखा है।
अक्स की पावर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है कि अक्स की पावर फोर का अवकलन अक्स की पावर फोर का समाकलन हो जाता है ये, ऐसा कोई फॉर्मूला तो अपन ने नहीं पढ़ा। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, अक्स की पावर एन, क्या पढ़ा था, अक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा। इसका समाकलन क्या होता था, इसका समाकलन होता था अक्स एन प्लस वन बटे वो एन प्लस वन। क्या मैं सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ क्या, ये जो अक्स की पावर एन का समाकलन होता है ये यही होता है क्या, अक्स की पावर एन प्लस वन बटे वो एन प्लस वन, सही बताया क्या मैंने, जो पीछे फॉर्मूले लिखे हैं एक बार जाकर चेक कीजिए, मैंने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए इसका किससे करना है, अक्स की पावर एन, एन का मतलब क्या है, घात, एन का मतलब क्या है, घात, तो यहाँ पर घात कितनी है, चार है, मतलब एन का मान अपने को क्या पता है, एन का मान अपने को पता है यहाँ पर क्या है, चार है, मतलब ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन दे रखा है, अक्स की पावर एन, किस टाइप का क्वेश्चन है, अक्स की पावर एन, तो अक्स की पावर एन की तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, इसमें लगाना पड़ेगा अक्स की पावर एन वाला। अब देखिए वहां पर क्या था, अक्स एन प्लस वन, तो एन यहाँ पर क्या है, चार है, चार प्लस वन बटे वह चार प्लस प्लस अक्स दो प्लस वन बटे वा दो प्लस वन प्लस दो, ऐसे कैसे आ जाएगा, अक्स दो प्लस वन दो प्लस वन। अब देखिए चार का मैंने क्या बताया था, कोई भी कोसेंट आ जाए तो अक्स प्लस वन लग जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर अक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए अक्स के पावर फाइव बटे वा फाइव प्लस अक्स की पावर थ्री बटे वा थ्री प्लस टू अक्स की पावर थ्री बटे वा थ्री प्लस फोर अक्स प्लस सी, ये अपना क्या हो गया, समाकलन हो गया, क्या हो गया, समाकलन हो गया, जो कि उसने अपने को दे रखा था उसका अपने क्या निकाल लिया, अपन ने समाकलन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, समाकलन निकाल लिया। अब अपन इसके बाद में किसकी बात करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाएगा तो आप कर लोगे क्या, कुछ भी नहीं किया, बस अक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाया है और क्या किया है, समाकलन किया है। अब अपन बात करेंगे कि कोई जो फॉर्मूले हैं अपने पास उन पर बेस्ड इक्वेशन कैसे आते हैं, जैसे सिंपल सा पूछ लिया इक्वेशन अपने को, y बराबर ex प्लस साइन एक्स प्लस ए बटे वा एक्स, इसका अपने को क्या निकालना है, dx निकालना है, क्या निकालना है, dx निकालना है, अपने को क्या करना है, वही दिए गए समाकलन का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर, इसके बाद में समाकलन का साइन प्लस डी एक्स सभी के साथ लगाना है, इसके बाद में क्या करना है, समाकलन करना है, तो इसका समाकलन आप लैंग्वेज तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना, मैं डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ। ई एक्स का समाकलन क्या बताया था मैंने, ई एक्स प्लस सी, क्या बताया था, ई एक्स प्लस सी, तो प्लस वाला सी यहाँ पर न लगा कर अपन आगे लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, आगे लगाएंगे। अब देखिए एक्स इसका साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स, लॉग एक बटे वाक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, और एंड में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस, ये सभी को समझ में आया, नहीं आया, ये सभी को समझ में आया होगा। अब अपने नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, फॉर्मूले हो गए, अब अपने को क्या सीखना है, अब अपने को सीखना है क्या, अब अपने को सीखना है आइलेट वाला, क्या सीखना है, आइलेट वाला क्वेश्चन सीखना है। देखिए अब ये अपने क्या है, आईलेट, अब क्या सीखेंगे अपन, आईलेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीखेंगे। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये आईलेट है, ये होता क्या है, ये अपने को कब यूज करना होता है, क्या है, सबसे पहले बात ये आएगी, जो आईलेट है ये होता क्या है,
और ये अपने को समाकलन में कब यूज करना होता है ये सीखेंगे। इससे पहले आप देखो कि जो आइलेट है ना, आइलेट कब यूज करते हैं, जब दो फंक्शन किसमें दी हुई हो, मल्टीप्लाई में। अभी जो पहले पढ़ने क्वेश्चन की बात की, वो क्वेश्चन किसमें थे, वो क्वेश्चन थे प्लस में। किसमें थे, प्लस में। जैसे बात नहीं की क्या अक्स स्क्वायर प्लस अक्स क्यूब टू अक्स स्क्वायर, ये किसमें थे, प्लस में थे। अब जो दो फंक्शन दी हुई हो और दोनों किसमें दी हुई हो, मल्टीप्लाई में दी हुई हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आइलेट का। कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, आइलेट का लगाएंगे। जैसे अपन ने बात की थी किसमें, अवकलन में। कब की थी, जब क्लास हुई थी, जब अपन ने अवकलन की बात की थी, तब उसमें जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, यू डॉट वी वाला। कौन सा, यू डॉट वी वाला प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। तो अपन जो आइलेट है समाकलन में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हो, समाकलन में जब दो फंक्शन किसमें दिए हुए हो, मल्टीप्लाई में दिए हुए हो, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, आइलेट। कौन सा, आइलेट। अब देखिए, फोर एक्स कॉस एक्स, ये दो, इसमें फंक्शन कितने हैं पहले तो ये बताओ। इसमें फंक्शन है दो, कौन सा, एक तो फोर एक्स एक कॉस एक्स। अगर ऐसा पूछ ले अपने को dx, तो अपने को बिना कुछ सोचे समझे कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, आइलेट वाला फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, आइलेट वाला फॉर्मूला लगा देना। अब इतनी बात समझो पहले कि आइलेट का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे जब दो फंक्शन के इसमें दिए हुए हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, आइलेट। अब आइलेट को समझते हैं कि जो आइलेट का फॉर्मूला है ये होता क्या है, आइलेट का मीन क्या होता है। देखिए, अब इधर आई का मीन होता है इनवर्स के फंक्शन। कौन से फंक्शन, इनवर्स के फंक्शन, इनवर्स के फंक्शन। कैसे, जैसे जो भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, कौन से त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कौन से होते हैं, साइन एक्स कोश एक्स और कोसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स, जो भी फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले अगर इनवर्स में दिए हुए हो, कैसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कोई भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर किसमें दिया हुआ हो, अगर इनवर्स में दिया हुआ हो, किसमें दिया हुआ हो, इनवर्स में, तो उसको अपन क्या समझेंगे, आई। क्या समझेंगे, आई समझेंगे। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स वाले फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, डॉट डॉट डॉट, जो भी है उनको अपन किस में रखेंगे, आई में रखेंगे। किस में रखेंगे, आई में रखेंगे। इसके बाद में है एल, एल में कौन सी, लॉग वाले फंक्शन। कौन से, लॉग वाले फंक्शन, लॉगामेट्रिक। देखिए, जो लॉग वाले फंक्शन है, जैसे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस टू आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, पर क्या आना चाहिए, अगर लॉग आ जाए तो वो कौन से में आएगा, वो आएगा एल में। किस में आएगा, एल में आएगा। अब देखिए, एक के बाद, एल के बाद में है अल्फाबेटिक। ए का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिक। जैसे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन आ गया। एक्स वाले जो भी आ जाए, एक्स के जो भी फंक्शन आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, ये कौन से में आएंगे, ये आएंगे किसमें, ए वाले फंक्शन में। किस में आएंगे, ए वाले फंक्शन में। इसके बाद में अपन बात करते हैं टी की। टी में जो, इसमें तो क्या थे, इनवर्स के थे, इसमें क्या आएंगे, सिंपल आएंगे। जैसे साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने टी वाले फंक्शन में। किस में आ जाएंगे, टी वाले में आ जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, ई में क्या आ जाएगा, ई एक्स पोटेंशियल।
ई की पोटेंशियल में जैसे आ जाएं, ई एक्स आ जाएं, ई एक्स प्लस वन आ जाएंगे, जैसे ई एक्स वाले फंक्शन जो भी आते हैं ना, वो किस में आएंगे, ई में आएंगे। अब अपने को आई लाइट का मीन समझ में आ गया। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगामेट्रिक फंक्शन, ए मतलब एल्फावेटिक, टी मतलब त्रिकोणमितीय फॉर्मूले, ई मतलब एक्स पोटेंशियल, एक्स पोटेंशियल। अब देखिए ये अपने को इतना समझ में आ गया, तो इतना अपने को जो आई लाइट है इसकी फुल फॉर्म समझना, आई का मीन समझना, एल का मीन समझना, इनका मीन समझने से क्या मतलब है, इनका भी मतलब है मेन जड़ यही है जो समाकल जो इसकी है ना आई लाइट की मेन जड़ यही है। यहाँ से अपने को क्या मानने पड़ेंगे, जैसे दो आ गए, देखो अक्स स्क्वायर कॉस अक्स क्या गया, अक्स स्क्वायर कॉस अक्स आ गया, क्या गया, अक्स स्क्वायर कॉस अक्स आ गया। ये क्या है, एक फंक्शन, ये है एक फंक्शन, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर आई लेट के फॉर्मूले में क्या दे रखा है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड का लपड़ा क्या है, अपने को क्या समझना है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये है क्या, ये क्या है, जो अपन क्या पढ़ते हैं आई लेट का यूज करते हैं, आई लेट वहां यूज करते हैं जब दो फंक्शन दिए हो, कितने फंक्शन दिए हुए हो, दो फंक्शन दिए हुए हो, अगर दोनों किसमें हो, मल्टीप्लाई किसमें हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो आईलेट का यूज करते हैं। अब आईलेट में दो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शन में से क्या देखना है, उनमें से ये देखना है कि जो ये दोनों फंक्शन है इनमें से फर्स्ट कौन सा है, इनमें से सेकंड कौन सा है, क्या देखना है, इनमें से फर्स्ट कौन सा है, इनमें से सेकंड कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर अक्स स्क्वायर है और कॉस अक्स है, सही, पहले देखो अक्स स्क्वायर क्या देखना है, अक्स स्क्वायर देखना है। अब देख अक्स स्क्वायर इनवर्स में है क्या, इनवर्स वाले में नहीं है, अक्स स्क्वायर इनवर्स में नहीं है, कॉस अक्स भी नहीं है। अब फिर देखो एल लॉग वाला फंक्शन है, इसमें कोई भी नहीं है। इसके बाद में देखो अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर अक्स की फॉर्म वाला क्वेश्चन है क्या, एल्फाबेटिक का, एल्फाबेटिक का ये रहा। तो इसको अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट, इसको अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, यही मान लो कैसे आता, cos x और x square, ये आता समाकलन में, इसमें से फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं, इसमें से देखो सबसे पहले इनवर्स का फंक्शन है इसमें, नहीं है, log का है, नहीं है, x square का है, है, तो सबसे पहले क्या आया, x square का आया, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड, सेकंड क्यों माना, क्योंकि ये ए वाले फंक्शन पहले हैं, एक्स स्क्वायर वाले पहले हैं, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और साइन एक्स का वाले में तो क्या मानेंगे, इसको पहला मानेंगे। अब देखो इधर देखो ई एक्स आ जाए और कॉस एक्स आ जाए, तो अपने को क्या मानना है, आई का फंक्शन है, नहीं है, इसके बाद में एल का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, तो इसको लॉग का फंक्शन नहीं है, सॉरी लॉग का भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, फिर किसका है, त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति का कॉस एक्स आ गया, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड किसको मान लेंगे, ई एक्स को मान लेंगे। अब समझ में आया होगा कि आईलेट में सबसे मेन काम क्या है, फर्स्ट और सेकंड मानना, इनको आप ये समझ में आना चाहिए आपको, इनको आप याद कर लेना, इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड मानना आपको आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले किसको देखना है, फॉर्मूले, अब फॉर्मूले को भी एक बार समझने की आपको बहुत आवश्यकता है, देखिए इधर अगर आईलेट से आ जाए, इसको कोष्ठक में लिख लो, फर्स्ट डॉट, सही, फर्स्ट को क्या करना है, बाहर रखना है, फर्स्ट को क्या करना है, बाहर रखना है, सेकंड का क्या कर देना है, dx का मतलब समझे कि नहीं समझे, dx का मतलब समझ गए होंगे, dx का मतलब था समाकलन करना, क्या करना, समाकलन करना, तो सेकंड का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, dx कर दोगे, इसके बाद में है माइनस, बीच में चिन्ह किसका है, बीच में चिन्ह है माइनस का, फिर किसका है, समाकलन का, मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट दे रखा है, ये जो पूरा ब्रैकेट दे रखा है, इसका अपने को क्या करना है, इसका अपने को करना है समाकलन, क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए आप ध्यान से, ये चिन्ह किसका है, d अपॉन dx, d अपॉन dx है किसका,
अवकलन का, किसका है, डी अपॉन डी एक्स होता है अवकलन का। तो फर्स्ट का अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, फर्स्ट का अपने को करना है अवकलन करना है। इसके बाद में देखिए समाकलन का साइन है सेकंड डीएक्स, मतलब सेकंड का क्या करना है अपने को, सेकंड का करना है समाकलन। और फिर जो पूरा ब्रैकेट दे रखा है इसका क्या करना है, डीएक्स करना है, मतलब समाकलन। ये जो फर्स्ट का क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, सेकंड का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। इसके बाद में जो भी बचेगा, फर्स्ट का अवकलन करने के बाद में सेकंड का समाकलन करने के बाद में जो भी फंक्शन बचेगा उसका क्या करना है, वापस आपको समाकलन करना है। क्या करना है, वापस आपको समाकलन करना है। अब ध्यान से देखिए, अपन अब दो एग्जाम्पल लेंगे, कितने एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे, दोनों को ध्यान से देखना। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए ये समाकलन का साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्या करना है, डीएक्स करना है। क्या करना है साथियों, इसका अपने को करना है डीएक्स, मतलब क्या करना है, समाकलन। सबसे पहले आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाना। बीच में कोई प्लस का साइन दे रखा है क्या, बीच में आपको कहीं भी प्लस का साइन दे रखा है क्या? अगर प्लस का साइन नहीं दे रखा, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको समाकलन में कहां पर जाना है, डायरेक्ट आपको जाना है आईलेट में। कहां पर जाना है, आईलेट में। मतलब ये क्वेश्चन किससे होगा, आईलेट से होगा। किससे होगा साथियों, ये क्वेश्चन होगा आईलेट से, आईलेट से होगा। एक तो अक्ष फंक्शन हो जाएगा, एक कॉस फंक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही अपने को क्या मानना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानने हैं दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों फंक्शन में से फर्स्ट और सेकंड मानो। क्या मानो, फर्स्ट और सेकंड मानो। अब देखिए साथियों, सबसे पहले आई, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स का फंक्शन है, इसमें दोनों में से कोई भी इनवर्स का फंक्शन है क्या, नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो। एल लॉग का कोई फंक्शन है, लॉग का भी नहीं है। ए, ए मतलब अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक मतलब कोई भी अक्ष, अक्ष स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है क्या, दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। देखिए इधर अक्ष, तो इसको अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और जो बाद में कुछ भी बचा हो तो अपने आप सेकंड हो जाएगा। जब दो व्यक्ति हैं उनमें से एक को फर्स्ट मान लिया तो दूसरा वाला तो अपने आप क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इतनी कहानी अपने को समझ में आ, फर्स्ट और सेकंड मानने वाली कहानी समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आ गई होगी, अगर किसी को नहीं आई तो क्लास को रिपीट करना, दोबारा से देखना। अब देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, इसको लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन को करवाता हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन को आपको करना है लैंग्वेज के साथ। देखिए इधर वाई बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या लाइन लिखनी है, दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर, दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका अपने को क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए अब ध्यान से, अब क्या मानना है अपने को, फर्स्ट और सेकंड मान लिया, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले को लिख देना। क्या लिखना है, इस फॉर्मूले को लिख देना। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो वैल्यू है वो इनपुट कर रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, अक्ष, तो अक्ष को क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। सेकंड का क्या कर देंगे, कॉस अक्ष का क्या कर देंगे, कॉस अक्ष का डीएक्स मतलब समाकलन कर देंगे। माइनस पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन, ब्रैकेट आ जाएगा पूरे की, फिर डी अपॉन डीएक्स, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब अक्ष, सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा डीएक्स, कॉस अक्ष डीएक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा, dx मतलब समाकलन हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, अपन ने ओनली क्या किया है, जैसा अपने को बोल रहा है, जो फॉर्मूला बोल रहा है, वैसे अपन ने क्या कर दिए, वैल्यू इनपुट कर दी।
क्या करती, वैल्यू इनपुट करती। देखिए साथियों, अपने को क्या करना था, अक्ष को तो ऐसे कैसे रखना था, अक्ष को रख दिया। कॉस अक्ष का समाकलन क्या होता है, बिना देखे आवाज आनी चाहिए, बिना देखे आवाज आनी चाहिए। कॉस अक्ष का समाकलन क्या होता है, कॉस अक्ष का समाकलन होता है क्या, साइन अक्ष। क्या होता है, साइन अक्ष। वेरी गुड, जिन्होंने अगर आंसर दिया हो तो, मेरे पास तो आवाज आ नहीं रही। अक्ष साइन अक्ष, कॉस अक्ष का समाकलन क्या होता है, कॉस अक्ष का समाकलन होता है साइन अक्ष। तो यहाँ पर क्या हो गया, अक्ष साइन अक्ष आ गया, माइनस ये समाकलन का चिन्ह पूरे के साथ रहेगा अभी तक। इस बड़े वाले ब्रैकेट को हटा दो। अक्ष का अवकलन क्या होता है, अक्ष का अवकलन होता है एक। अक्ष का अवकलन क्या होता है, एक होता है। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा अक्ष का अवकलन एक क्यों होता है, क्योंकि ये मैंने बहुत क्लासों में पहले बता चुका हूँ। अक्ष का अवकलन एक होता है, ये पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, अक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अक्ष की पावर एन। आप साइड में डिनोट करोगे, जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, जो भी माइनर हो चाहे मेजर हो, माइनर फॉर्मूला यूज करो, मेजर फॉर्मूला यूज करो, सभी को साथ में डिनोट करो, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर अक्ष का क्या हो गया, अक्ष का हो गया एक, अक्ष का क्या हो गया, एक हो गया। कोस अक्ष का समाकलन क्या होगा, कोस अक्ष का समाकलन वही क्या होगा, कोस अक्ष का समाकलन होगा साइन अक्ष। क्या होगा, साइन अक्ष होगा, क्या होगा, साइन अक्ष होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dx, इस dx का तो समाकलन यही है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या कौन सकते हैं, यहाँ पर देखो अंदर वाले का सॉल्यूशन किया है अभी तक ओनली, अपन ने क्या किया, अंदर वाले का सॉल्यूशन किया है। जैसे d अपॉन dx, अक्ष, अक्ष का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, और इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ये साइन बच रखा है इस पूरे के ब्रैकेट में, क्या दे रखा है, ये साइन दे रखा है और ये dx दे रखा है, ये dx दे रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है, पहले इसके अंदर का क्या कीजिए, इसके अंदर का सॉल्यूशन कीजिए, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, इसके बाद में जो भी आंसर आता है उसका अपने को क्या करना है, dx करना है, अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है साथियों, समाकलन करना है। अब देखिए यहां पर क्या बच रहा है, sin x। अब इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। a को क्या कर लेंगे, a को तो बाहर ले लेंगे, अपन a को क्या कर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, या a का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में a को क्या कर देना, आप गायब कर देना। अब देखिए अक्ष डॉट साइन अक्ष माइनस, अब साइन अक्ष का यहां पर एक तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन अक्ष बच रहा है, क्या बच रहा है, साइन अक्ष बच रहा है। और साइन अक्ष का क्या करना है, dx करना है, मींस साइन अक्ष का क्या करना है, समाकलन करना है। साइन अक्ष का समाकलन क्या होता है, कौन बताएगा, देखिए साइन अक्ष का समाकलन होता है माइनस कॉस अक्ष। क्या होता है, माइनस कॉस अक्ष, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस है कॉस अक्ष, सॉरी कॉस अक्ष। अब देखिए इधर अक्ष साइन अक्ष प्लस कॉस अक्ष, प्लस में क्या आएगा, इस चीज को तो अपने को कभी भूलना ही नहीं है, प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो मैंने लिखवाया है दिख गया होगा। यहाँ पर क्या जाएगा, अक्ष साइन अक्ष प्लस कॉस अक्ष प्लस सी। ये अपन ने क्या कर लिए, आईलेट से अपन क्या कर लिए, आईलेट से अपन कर लिए समाकलन। आईलेट से जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुई हो तो अपन ने क्या सीख लिया, अपन ने क्या सीख लिया, अपन ने सीख लिया समाकलन। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा, सही, कभी कभी क्या करता है ये क्वेश्चन, क्या होता है थोड़ा शॉर्टली क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है, शॉर्टली सोल्व हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा और थोड़ा सा बड़ा कर देगा। सी उस क्वेश्चन की भी अपन बात कर लेते हैं, अगर बस एक ही चीज समझनी है यहाँ पर जो मैं समझा दूंगा आपको, बस और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, जिन्होंने अगर ध्यान से क्लास देखी है तो, और जिन्होंने अगर नहीं देखी है तो उनको तो क्या समझ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा समाकलन अक्ष स्क्वायर लॉग अक्ष।
इसका अपने को क्या पूछेगा, dx पूछेगा, वही अपने को क्या लगाना है, वही अपने को लगाना है आईलेट, क्या लगाना है आईलेट। अब देखिए इसमें पहले तो क्या करो, फर्स्ट और सेकंड मानो, क्या मानो, फर्स्ट और सेकंड मानो। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आई एल ए टी ई, आई वाला है इनवर्स का नहीं है, एल लॉग फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, आई एल ए टी क्यू हो गया, आईलेट मतलब लॉग वाला पहले आ गया तो लॉग वाला फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। लैंग्वेज वगैरह आप लिख लोगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई, वो डायरेक्ट में वैल्यू इनपुट करता हूँ। फर्स्ट को क्या करना था, बाहर रखना था, क्या करना था, लॉग एक्स को क्या कर दिया, बाहर रख दिया। इसके बाद में देखिए ध्यान से, सेकंड का क्या करना था, समाकलन करना था। सेकंड क्या है, सेकंड है एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में चिन्ह आएगा था सॉरी, यहाँ पर क्या था, समाकलन का साइन था, समाकलन का साइन लगा देना और बीच में चिन्ह किसका था, माइनस का था, पूरे ब्रैकेट के समाकलन का साइन आ गया। अब d अपॉन dx करना है, किसका करना है, d अपॉन dx करोगे आप फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है log x, log x। अब देखिए इधर देखो सेकंड का क्या करना है, अभी यहाँ पर अपने को सेकंड का समाकलन करना है, सेकंड क्या है x square dx dx, सही। अब कर लो log x को क्या करना है, ऐसे कैसे रखना है, log x को रख लिया, x square का समाकलन क्या होगा, x square का x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या था, x की पावर n प्लस वन बटे हुआ n प्लस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर थ्री बटे हुआ, x की पावर थ्री बटे हुआ थ्री, या फिर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो पहले 2 प्लस 1 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, बीच में चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अपने को जो होल ब्रैकेट है इसको हटा देना है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक समाकलन का साइन रखना है बस बाहर वाला जो ब्रैकेट के था। अब लॉग एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स का समाकलन होता है 1 अपॉन एक्स, सॉरी log x का क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, d upon dx पूछ रहा है, अवकलन पूछ रहा है, log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे वो x dot, इसका क्या करना है समाकलन करना है, समाकलन कीजिए सॉरी x की पावर क्यूब, सॉरी x की पावर आप कर लेना, नेक्स्ट प्रोसेस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की पावर 3 बटे वो 3, ये बच जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आप इसको काट दो, इससे क्या बचेगा, अक्स कट जाएगा तो यहाँ पर अक्स स्क्वायर बटे हुआ 3 बच जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ बच नहीं रहा, यहाँ पर क्या जाएगा dx आ जाएगा, क्या जाएगा dx आ जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में 2 प्लस 1 को क्या कर देना है, 3 कर देना है। देखिए अब अपने को क्या करना है, जो x की पावर 3 बटे हुआ 3 है, ये अपन ने किससे किया, x की पावर n से, कौन से सूत्र से किया, x की पावर n से, और यहाँ पर इसका log x का समाकलन क्या होगा, log x का सॉरी अवकलन क्या होगा 1 बटे हुआ x, जो x की पावर 3 है, इस 3 पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 2, यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर 3। अब देखिए साथियों अपने को क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में करना है log x, log x x की पावर 3 बटे 3 माइनस समाकलन। अब अपने को क्या करना है, जो 1 और 3 है, मतलब अपने को कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है इसमें से 1 बटे 3, क्या लेना है 1 बटे 3, क्या लेना है कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बटे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर श्योर सी बात है, यहाँ पर क्या बचेगा अपने को x स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, और dx का साइन बच जाएगा, क्या बच जाएगा dx का साइन बच जाएगा, 1 बटे 3 अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का चिन्ह, सही। अब देखिए अपने को नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, जो मैंने बताया था कि एक बार अवकलन करने के बाद में, जैसे मान लो ब्रैकेट वाला है उसका सॉल्यूशन कर देंगे,
इसका सॉल्यूशन करने के बाद में अपने को जो भी आएगा उसका अपने को वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने को समाकलन करना पड़ेगा। अब देखिए लॉग अक्ष, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस प्रोसेस के अभी, लॉग अक्ष अक्ष की पावर 3 बटे वह 3 माइनस 1 बटे वह 3। अब देखिए समाकलन का साइन तो अपना हटा देंगे, यहां से क्या कर देंगे समाकलन का साइन हटा देंगे, और जो अक्ष स्क्वायर है, अक्ष स्क्वायर का क्या है, अक्ष स्क्वायर का अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। अक्ष स्क्वायर का समाकलन किससे करोगे, अक्ष स्क्वायर का समाकलन करोगे अक्ष की पावर एन से, किससे करोगे अक्ष की पावर एन से। अक्ष की पावर एन का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, अक्ष की पावर एन प्लस वन बटे वह एन प्लस वन। तो यहां पर कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा अक्ष की पावर 3 बटे वह 3। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए लॉग अक्ष अक्ष की पावर 3 बटे वह 3 माइनस ये अक्ष की पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अक्ष की पावर 3 बटे वह 9। क्या हो जाएगा अक्ष की पावर 3 बटे वह 9। ये अपने पास क्या हो गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका क्या हो गया समाकलन हो गया। क्या हो गया समाकलन हो गया। अब अपने को एक और एग्जांपल लेना है, उसका अपने को समाकलन सीखना है। अब अपन एक और एग्जांपल की बात करते हैं, अगर दोनों एग्जांपल अच्छे से नहीं समझ में आए हो तो ये लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ, इससे अपने को क्या समझना है समाकलन का आइलेट मेथड समझना है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लो आपको क्या समझ में आ गया, आइलेट मेथड समझ में आ गया। अक्ष स्क्वायर कोस अक्ष का अपने को क्या करना है, डीएक्स करना है। देखिए इसमें अपन सबसे पहले तो क्या मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। आई है इनवर्स का फंक्शन नहीं है, लॉग वाला है, लॉग वाला भी नहीं है। ए ए मतलब अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक वाला है, मतलब फर्स्ट तो ये हो जाएगा सेकंड ये हो जाएगा। फर्स्ट को क्या कर लोगी, जो फॉर्मूला दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखो, अक्ष स्क्वायर सेकंड का क्या करना है डीएक्स, कॉस अक्ष का क्या कर दोगे डीएक्स कर दोगे, माइनस पूरे का क्या कर दोगे समाकलन कर दोगे, डी अपॉन डीएक्स किसका करना है फर्स्ट का अक्ष स्क्वायर का। अब इसके बाद में देखो सेकंड का क्या करना है, सेकंड मतलब कॉस अक्ष, कॉस अक्ष का क्या करोगे डीएक्स करोगे, डीएक्स पूरे का क्या कर दिया डीएक्स कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्ष स्क्वायर का अक्ष स्क्वायर कॉस अक्ष का समाकलन क्या होगा, कॉस अक्ष का समाकलन होगा साइन अक्ष, क्या होगा साइन अक्ष, कॉस अक्ष का समाकलन क्या होगा साइन अक्ष माइनस ये समाकलन का साइन रहेगा, ब्रैकेट बड़ा वाला हट जाएगा। इसके बाद में इसका अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, टू अक्ष होता है। कौन से अक्ष स्क्वायर का अवकलन निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अक्ष स्क्वायर का अवकलन निकालना है तो अक्ष की पावर एन वाला, अक्ष की पावर एन का अवकलन में अवकलन में फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, तो उससे क्या हो जाएगा टू अक्ष हो जाएगा। अब देखिए कॉस अक्ष का समाकलन क्या होता है, कॉस अक्ष का समाकलन होता है साइन अक्ष, क्या होता है साइन अक्ष, और इसका अपने को क्या करना है डीएक्स करना है, क्या करना है डीएक्स करना है। अब देखो यहां ध्यान से, अक्ष स्क्वायर साइन अक्ष माइनस टू कॉमन ले लेंगे बाहर, अक्ष साइन अक्ष डीएक्स, टू को क्या कर लिया अपने कॉमन कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या बच रहा है, अब मैंने क्या कहा था एक बार तो अंदर वाले का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद में जो भी बचेगा उसका अपने को क्या करना है समाकलन करना है। तो अब अपने को इसका क्या करना है, वापस से क्या करना है समाकलन करना है। वापस से समाकलन करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक्स की पावर एन वाला भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा इसमें लगेगा आइलेट वाला, दोबारा से कौन सा लगेगा आइलेट वाला, क्यों लगेगा देखिए ध्यान से, ये जो अक्ष है और साइन अक्ष है ये दो फंक्शन है, सभी को पता है अक्ष एक फंक्शन है साइन अक्ष एक फंक्शन है। अभी ये दोनों जो फंक्शन है ये किसमें है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में वो दो फंक्शन और उसका क्या पूछे समाकलन पूछे, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आइलेट वाला लगाते हैं, तो
सीधी सी बात है कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आईलेट वाला लगेगा। अब आप सोचोगे कि एक बार तो अपन ने आईलेट वाला लगा दिया, इसके बाद में दोबारा भी आईलेट का लगाना पड़ेगा क्या? अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आईलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आईलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अपने को दोबारा से क्या करना है, आईलेट का फॉर्मूला लगाना। आप इसको लिखते रहना। अब जो पहले वाला है इतने को तो अपने को क्या करना है, ऐसे के ऐसे लिखना है, बराबर एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स माइनस टू। इतने को तो अपने को क्या करना है, ऐसे के ऐसे रखना है, माइनस टू हो जाएगा। अब यहां पर क्या लगा दो, बड़ा ब्रेक। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि आईलेट का पूरा लगा के अपन क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, एक बार सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड मानो, फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट को क्या रखना है, बाहर रखना है ऐसे कैसे, और सेकंड का क्या कर देना है, डी एक्स कर देना है, मतलब साइन एक्स का क्या कर दोगे, साइन एक्स का डी एक्स मतलब समाकलन कर दोगे, और वही समाकलन का साइन वही बड़ा ब्रैकेट डी अपॉन dx, यहाँ पर x आ जाएगा। सेकंड का क्या करोगे, dx करोगे, sin x का क्या करोगे, dx करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए वो तो ऐसे कैसे उतार नहीं है जो पहले अपन ने कर लिया। देखिए अक्ष को ऐसे कैसे लिखना है, जो साइन अक्ष है इसका समाकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस कॉस, सॉरी कॉस अक्ष, माइनस कॉस अक्ष हो जाएगा, और वही समाकलन का साइन रहेगा। बड़ा ब्रैकेट क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, और अक्ष का अवकलन क्या होगा, एक हो जाएगा, साइन अक्ष का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अक्ष, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अक्ष, और वो डी एक्स बार। समझ में आ रहा है, नहीं आता। अब देखिए जो बाहर है ना उसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, ऐसे कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू। अब क्या करना है, जो माइनस का चिन्ह है इसको अपन क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर ले आओ, जो ये माइनस, सॉरी बाद में ले आएंगे, एक बार माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर क्या है, जो ये माइनस का चिन्ह है इसको क्या ले आओ, बाहर ले आओ, मतलब इसको कॉमन लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्यों होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स। इसका दोबारा से समाकलन क्यों किया, क्योंकि dx दे रखा था, मतलब पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने के बाद में भी अपने को एक बार क्या करना होता है, समाकलन करना होता है, तो अपन ने इसका क्या किया, dx किया, cos x का dx, इनको कॉमन ले लेंगे, एक को बाहर ले लेंगे और माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस को बाहर लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखिए इधर देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये इस फंक्शन से भी क्या होगा, इस फंक्शन से होगा क्या होगा, ये होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा और इससे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए जो ये माइनस का चिन्ह है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या करोगे आप, प्लस करोगे। प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसको ला रहे हो, पहले तो इसको माइनस के दो से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, इस फंक्शन से भी करोगे और इससे भी करोगे, तो देखिए माइनस, इस माइनस को ले आओगे टू x cos x,
अब देखिए यहाँ पर जो प्लस है ये प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के टू से। माइनस के टू से क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है होल ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया समाकलन। समाकलन यही अपना कंप्लीट है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अपने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आपको अब करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं, इसके बाद में नॉर्मल क्वेश्चन करना सीखना है, इसके बाद में आईलेट, आईलेट में ये महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया दोबारा से समाकलन करना होता है, दोबारा से आईलेट का सूत्र लगाना होता है। ये क्या है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन भी दे देते हैं कभी कभी, पर कभी कभी क्या देते हैं कि बड़ा क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का देता है तो ये क्वेश्चन दे देते हैं। आ गया समझ में, आपको क्या करना है, अब आपको करना है सबसे पहले तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक ही क्लास में समाकलन है और जो एग्जाम, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाली है, एग्जाम पास में आने वाली है, तो अब अपन डिटेल से तो किसी टॉपिक को पढ़ नहीं सकते। जो SKNU जोगनेर की एग्जाम है वो शायद 23 से स्टार्ट हो रही है, 23 या 24 से। तो जब एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो अब अपन डिटेल से तो लेकर नहीं बैठ सकते। अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीखने हैं, सही। तो अपने को क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद है, जिनको भी जरूरत है इस क्लास की, उनके पास शेयर करना। और अपने को नेक्स्ट क्लास में क्या सीखना है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का भी क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में नॉर्मल सी ये क्लास लेंगे अपन लिमिट और फंक्शन की, लिमिट और फंक्शन की। इसके बाद में अपन जो पूरा जैसे पेपर आता है, एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे। क्या करेंगे, एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे और उसका सॉल्यूशन कहाँ पर करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे ब्राइट एग्रो क्लासेस। अभी सर्च कर लेना यूट्यूब पर ब्राइट एग्रो क्लासेस, उस यूट्यूब चैनल की प्लेटफॉर्म पर अपन क्या करेंगे, एक मॉडल पेपर मैथ का है। 18 तारीख को आपको शाम को 7:15 पे क्लास मिल जाएगी। कितने बजे, 7:15 पर 18 तारीख को किसकी क्लास मिलेगी, अपने को मिलेगी टोटल जो भी क्वेश्चन करवा दिए ना पढ़ने, और एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे एक मैराथन क्लास में। किस में आएंगे, मैराथन क्लास में। तो आपको वो क्लास देखनी है, वो क्लास देखने से पहले ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए, एक ये, एक निर्देशांक ज्यामिति का और एक लिमिट और फंक्शन का। फिर अपना जो सिलेबस है समापन हो गया है। किसी को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब डीपली पढ़ के आप पे टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। तो अपन ने जितना पढ़ा है उसका ही अपने को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना मैंने पढ़ा दिया आज तक, जितना मैंने पढ़ा दिया आज तक, उसी में से मॉडल पेपर तैयार होगा। और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपने एग्जाम में पेपर आएगा वो पेपर भी जो मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर कोई क्वेश्चन मान लो बाहर भी आ जाते हैं, 10 के मान लो 20-25, पर पास हो तो आराम से हो जाओगे। अगर इतना रिवीजन आप बार बार रिवीजन करोगे ना, तो पास होने में तो आपको घबराना ही नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि पास होंगे एक नहीं होंगे, अरे अपन ने इतना लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया। कभी कभी क्या होता है पेपर कहीं बाहर से बना देते हैं, हार्ड ले लेते हैं, तो उसमें भी अपन ने इतना तो पढ़ लिया कि पास तो हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, जितना पढ़े हो शॉर्ट पढ़े हैं। अपने को पता है कि अपन जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो 6 महीने में भी पूरा नहीं होता। अपन अवकलन समाकलन मैट्रिक्स इनको डिटेल से पढ़े तो 6 महीने में पूरा नहीं होता है। तो अपने को क्या करना है, जितना सिलेबस दे रखा है, जितना मैंने दे रखा है यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया है, कुछ भी करवाया, इसको अपने को क्या करना है, बार बार रिवाइज। धन्यवाद दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान।